रिम्स में आने वाले गरीब मरीजों के लिए जन औषधि एक वरदान की तरह है, लेकिन जन औषधि की हालत दिनों बद से बदतर हो गई है। यहाँ की व्यवस्था से मरीज और उनके परिजन त्रस्त है। लोगों ने जन औषधि केंद्र पर मनमाने करने का आरोप लगाया है। रिम्स स्थित जन औषधि केंद्र में मरीजों को जेनेरिक दवा खरीदने में पसीने छूट रहे हैं। मरीज और परिजनों ने रिम्स के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि दवा दुकान की तरफ से दवा का बिल नहीं दिया जा रहा है। दवा का बिल नहीं मिलने से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी दवा की क्या कीमत है और दवा दुकानदार दवाइयों का कितना पैसा ले रहे हैं। हाँ, जब पहले नहीं दे रहा था, फिर मांगे तब दिया। हाँ, बिल तो हम देना ही चाहिए। बिल नहीं देगा, हम संभाले तो बिल तो देना ही चाहिए ना, हमारा अधिकार है बिल लेना। दवाई दिया यहाँ पे तो उसका बिल नहीं दिया है, बिल देना चाहिए ना, मांगेंगे तब। अपने मर्जी से नहीं दे सकता हो, वही तो बात है। कैसे पता चले कौन दवाई का कितना लिया, नहीं लिया, कितना परसेंट छूट दिया, कैसे हम पता चलेगा हमको। रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन बिंदिया मेडिकल द्वारा किया जा रहा है, मगर जन औषधि केंद्र की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। लोगों को दवा खरीदने में जद्दोजहद करना पड़ रहा है। 4 रुपए का स्टिप एगो लिया, एक स्टिप 4 रुपए में क्या बिल निकालेंगे। हाँ, जहाँ 50 रुपया 60 रुपए का होता है या 30 रुपए का होता है तो बिल निकाल देते हैं। अब एक PCM लिया, एक ट्रिप PCM लिया, उसका दाम 6 रुपया है, और उसका क्या बिल भी? मेरा पेपर पड़ जा रहा है 1.5 रुपया 2 रुपया। हाँ, नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, भीड़ भीड़ मतलब नहीं है मेरा। अगर कम से कम 30 रुपया का दवाई ले तो हम बिल निकाल दें। रिम्स के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की यह तस्वीर देखकर आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों को दवा खरीदने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार दवा का बिल मांगे जाने के बाद दवा दुकानदार के द्वारा बिल नहीं दिया जा रहा है, जिससे मरीज और परिजन काफी आक्रोशित है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी उमेश लाल के साथ सत्यवर्त किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।